आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे रैपर क्लासेस इन जावा। जावा में हम लोग रैपर क्लासेस कैसे यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो रैपर क्लासेस इन जावा प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव। जनरली रैपर क्लासेस जावा में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, एंड ऑब्जेक्ट टाइप को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, इंट, बाइट, शॉर्ट, इस टाइप के जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो उस डेटा टाइप को हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। सेम लाइकवाइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे रैपर क्लासेस से डिफाइन करते हैं। सिंस J2SE 5.0 ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर कन्वर्ट्स प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू प्रिमिटिव ऑटोमेटिकली। J2SE 5.0 मतलब जावा 5.0 से ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर जो था वो प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव्स ऑटोमेटिकली चेंज करता है। लाइक उसके लिए यहाँ पे रैपर क्लासेस यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग यहाँ पे कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग एंड वाइस वर्सा अनबॉक्सिंग। ठीक है, जिसको अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप से कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में और उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग अनबॉक्सिंग। सिंक्रोनाइजेशन, जावा सिंक्रोनाइजेशन वर्क विद ऑब्जेक्ट्स इन मल्टी थ्रेडिंग। जब मल्टी थ्रेडिंग हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप को इजीली सिंक्रोनाइज कर सकता है। अगर वहीं पे अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं तो इजीली इजीली जो है वहां पे सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज प्रोवाइड्स द यूटिलिटी क्लासेस टू डील विद ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डील करने के लिए इतनी सारी यूटिलिटीज क्लासेस होती है यहाँ पे अवेलेबल होती है जावा के अंदर पहले से, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हम लोग को मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क वर्क्स विथ ऑब्जेक्ट्स ओनली। ऑल क्लासेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, प्रायोरिटी क्यू, एरे डी क्यू एक्सेट्रा, ये सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क होते हैं जावा में, जिसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं हमेशा रैपर क्लास को। अगर हम लोग को एरे लिस्ट बनाना है, जैसे हम लोग सी में, सी प्लस प्लस में, शेल प्रोग्रामिंग, ये सब में एरे हम लोग पढ़े हैं, तो एरे जब हम लोग इसमें पढ़े हैं तो वहाँ पे हम लोग एक ही डेटा टाइप के हम लोग मल्टीपल वहाँ पे वैल्यूज लेते थे। एरे लिस्ट वैसा ही यहाँ पे होता है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में होता है। सेम अगर हम लोग इंटीजर का कोई एरे बना रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि पूरे के पूरे इंटीजर वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए होता है। अगर हम लोग सेम अगर हम लोग बनाना चाहते हैं एरे किसी ऑब्जेक्ट का तो हम लोग यहाँ पर रैपर क्लास का यूज करते हैं। वैसे ही लिंक लिस्ट में यूज होता है, जो एक डेटा स्ट्रक्चर हैश सेट है, वेक्टर भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड हैश सेट है, ट्री सेट हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, एरे डी क्यू हो गया, तो ये सारी जो फ्रेमवर्क्स में आता है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, जावा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क हम लोग अच्छे से सीख जाते हैं तो हम लोग पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्शन जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। मीन्स यहाँ पे मेमोरी हम लोग बेटर हैंडल कर सकते हैं
और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं वो हम लोग एरेज के, लिंक लिस्ट के, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी पहले से अवेलेबल होते हैं। लाइक हमने अभी स्ट्रिंग बफर लास्ट क्लास में पढ़ा, तो स्ट्रिंग बफर में भी हमने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे मेथड्स हम लोग को रेडीमेड वहाँ पे मिल जाते हैं, बस हम लोग को उसको यूज करना होता है और साथ में उसको अप्लाई करना होता है। तो उससे हम लोग उस स्ट्रिंग बफर के स्ट्रिंग्स को हम लोग बेटर हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 क्लासेस अवेलेबल होते हैं रैपर क्लास के, ठीक है। 8 क्लासेस ऑफ द जावा डॉट लैंग पैकेज आर नोन एज रैपर क्लासेस इन जावा, ठीक है। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हम लोग को रैपर क्लासेस पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप है और उससे रिस्पेक्टिव यहाँ पे रैपर क्लास दिया हुआ है। प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे अगर हम लोग बूलियन लें तो इसका हम लोग को यहाँ पे क्लास मिलता है बूलियन, सेम मिलता है, सब चीज सेम रहता है, बस फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल हो जाता है। इससे हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये एक रैपर क्लास है, ठीक है। बुलियन के लिए बुलियन मिलता है, कैर के लिए कैर मिलता है, बाइट के लिए बाइट मिलता है, शॉर्ट के लिए शॉर्ट मिलता है, इंट के लिए इंटीजर मिलता है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग मिल रहा है, फ्लोट के लिए फ्लोट मिलता है, डबल के लिए डबल मिलता है, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज क्या है, इंट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इंटीजर पूरा पूरा हम लोग को लिखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा हम लोग को 8 क्लासेस का पैकेज मिलता है, जो कि हम लोग को जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में हम लोग को मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैपर क्लास। यहाँ पे जो जो लिखा है बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इसी को हम लोग बोलते हैं रैपर क्लास। और यहीं से कन्वर्ट होता है बूलियन, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये रैपर क्लास है। हम लोग इस प्रिमिटिव डेटा टाइप से चेंज करेंगे इस बूलियन डेटा टाइप में, और रैपर क्लास से हम लोग चेंज करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप में। मीन्स यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, इसी का ये ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और प्रिमिटिव डेटा टाइप का हम लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यू असाइन करके बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट टाइप नहीं होता है, और ये लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप होगा। मीन्स यहाँ रैपर क्लास से हम लोग जो भी वैल्यूज लेंगे, लाइक बुलियन में ट्रू या फॉल्स होता है, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट टाइप में लेंगे। तो यही खासियत है इस रैपर क्लास की। यहाँ पे आते हैं हम लोग ऑटो बॉक्सिंग। द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, बाइट टू बाइट, कैर टू कैरेक्टर, इंट टू इंटीजर, लॉन्ग टू लॉन्ग, फ्लोट टू फ्लोट, बुलियन टू बुलियन, डबल टू डबल, शॉर्ट टू शॉर्ट। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। इससे क्या फायदा होगा कि हम लोग का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, ओके। उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। वी डू नॉट नीड टू यूज द वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ रैपर क्लासेस टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट्स। हम लोग को यहाँ पे वैल्यू ऑफ को यूज नहीं करना पड़ेगा, जो वैल्यू ऑफ मेथड होता है रैपर क्लास का उसको हम लोग को यूज नहीं करना पड़ेगा। ऑटो बॉक्सिंग में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक जावा प्रोग्राम ने बनाया है जिसमें हम लोग ने एक क्लास लिया है पब्लिक क्लास रैपर एग्जाम्पल 1। रैपर एग्जाम्पल 1 हमने ले लिया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ कन्वर्टिंग इन टू इंटीजर। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, इंटीजर का एक वेरिएबल लिया ए, उसमें 20 को इनिशियलाइज कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे लिया है हमने इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए, कन्वर्टिंग इंट इंटू इंटीजर एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, इंट इंटू इंटीजर एक्सप्लिसिटली, मतलब यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए,
मीन्स इस वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप में। एक और वेरिएबल ले लिए इंटीजर जे इक्वल टू ए, ऑटो बॉक्सिंग। नाउ कंपाइलर विल राइट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए इंटरनली। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ ऑटो बॉक्सिंग जो हो रहा है ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लिसिटली करना पड़ रहा है। तो जावा कंपाइलर में अगर हम लोग जावा वर्जन 5 के अबव वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को ऑटो बॉक्सिंग ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जावा 4 तक जो था वो हम लोग को यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ता था, लेकिन जावा 5 से हम लोग को नहीं लिखना होता है। अगर हम मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, यहाँ पे ए को प्रिंट करते हैं, देन उसके बाद आई को प्रिंट करते हैं, देन उसके बाद जे को प्रिंट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने मिलेगा। ए की वैल्यू है 20, पी आई की वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यू ऑफ से इस आई में असाइन हो गई है, तो आई को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में। फिर उसके बाद जे में भी हम लोग ने ए को असाइन किया, ए की वैल्यू 20, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में, जो हमारा रैपर क्लास है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग में। अनबॉक्सिंग यहाँ पे देखते हैं द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर टाइप इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनबॉक्सिंग द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर टाइप इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज नोन एज अनबॉक्सिंग। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग। सिंस जावा 5 वी डू नॉट नीड टू यूज द इंट वैल्यू मेथड ऑफ रैपर क्लास टू कन्वर्ट द रैपर टाइप इंटू प्रिमिटिव टाइप्स। यहाँ पे हम लोग रैपर टाइप से अपने करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अनबॉक्सिंग, जो कि एक रिवर्स प्रोसेस है ऑटो बॉक्सिंग का। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, पब्लिक क्लास रैपर क्लास एग्जाम्पल 2, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इंटीजर ए इक्वल टू न्यू इंटीजर, और वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 3, वैल्यू हम लोग इसके अंदर ले रहे हैं 3, ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब उसके बाद यहाँ पे इंट आई इक्वल टू ए डॉट इंट वैल्यू हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ए मतलब ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट डॉट इंट वैल्यू। यहां से इंट वैल्यू जो मेथड होता है वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट टाइप टू प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो यहाँ पे इंट आई जो है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और यहाँ पे जो ए डॉट इंट वैल्यू जो है ये चेंज कर रहा है ए ऑब्जेक्ट टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे इंट जे इक्वल टू ए करते हैं डायरेक्टली, पहले हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू इंट वैल्यू हम लोग कर रहे हैं, ए इक्वल टू इंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे इंट जे इक्वल टू ए हम लोग करेंगे। ठीक है, इंट जे हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ए जो है ऑब्जेक्ट टाइप है, तो कंपाइलर क्या करेगा डायरेक्टली वो ए डॉट इंट वैल्यू जो है इंटरनली ऐड कर देगा, हम लोग को वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐड करके उसको कंपाइल करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ने देखा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर यहाँ पे हम लोग ने इसको प्रिंट किया, सबसे पहले ए को प्रिंट किया जो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया आई को और जे को, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा रैपर क्लास, और यहाँ पे हमने देखा ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, जो कि हम लोग का रैपर क्लास टू प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप टू रैपर क्लास हम लोग चेंज करते हैं।